संसारिक कर्तव्य तो निभाने चाहिए, लेकिन जो परम कर्तव्य है सद्गुरु का सिमरन और बंदी छोड़ साहिब के धाम की सेवा, तो ऐसा भाव होना चाहिए। यही तो भक्ति का पट्टा है, अटल पट्टा। तो बंदी छोड़ ने क्या कहा कि इससे आगे कहाँ चढ़ाऊं, इससे आगे कहाँ चढ़ाऊं, शीशे से हर लीजे सतगुरु अटल पटा लिख दीजे, अटल पटा लिख दीजे सतगुरु अटल पटा। और आगे सदगुरु जी ने कह दिया है, सदगुरु जी कृपा करो, आशीर्वाद दो, इस सारे मन की माया, जो मेरा मन माया के आसक्त है, इसको हर लो। कृपा करो हरो मन माया, कृपा करो हरो मन माया, जे तू सतगुर रीझे सतगुर अटल पटा लिख दीजे, अटल पटा लिख दीजे सतगुर अटल पटा लिख दी। लोग तरह तरह की भक्ति करते हैं, जैसा जिसको ज्ञान होता है। दिखावे की भक्ति के ऊपर, समय बर्बाद करने वाली भक्ति के ऊपर बंदी छोड़ गरीबदास साहिब कहते हैं, ऐसे परमात्मा तेरे ऊपर कृपा नहीं करेगा। कि ललो पतो की भक्ति छाड़ दे, ललो पतो की भक्ति छाड़ दे, ऐसे कौन पति जे सतगुरु अटल पटा लिख दीजे, अटल पटा लिख दीजे सतगुरु अटल पटा लिख दीज। जैसे घुन लग जाता है, दीमक लग जाती है, वृक्ष का अपना अस्तित्व तो नहीं रहता, लकड़ी बिल्कुल जर्जर हो जाती है। परमात्मा की भक्ति में हमारा अस्तित्व वैसा हो जाए कि सिवाय परमात्मा के दूसरा कुछ सूझे नहीं। विरह की अग्नि में हमारा मन और हमारा तन दग्ध होता रहे। तो गरीबदास साहिब के वचन हैं, ब्रह्म अग्नि में विरह वियोगी, ब्रह्म अग्नि में विरह वियोगी, विरह वियोगी, ब्रह्म अग्नि में विरह, तन मन पिंजर बीजे सतगुरु अटल पटा लिख दीजे, अटल पटा लिख दीजे सतगुरु अटल पटा लिख दी। और अटल पट्टा परमात्मा लिख देगा कैसे प्रतीत होता है, क्या उसका परिणाम आता है, क्या आपको प्राप्ति होगी अटल पट्टे से? आप संसार में रहते हुए सुखी होंगे, और जब संसार को आपने श्वासों के पूरा होने पर छोड़ना है तो फिर से संसार में नहीं आना होगा। इस भय के दरिया में जिसमें आप नित्य ही दुखी होते हैं, उसमें फिर नहीं आएंगे, आप अभय पद प्राप्त कर लेंगे, सदा सदा के लिए निर्भय हो जाएंगे, सदगुरु के सतलोक में, उसके परम धाम में पहुंच जाएंगे। तो क्या है अटल पटा? गरीबदास साहिब ने इस भजन की अंतिम कली में कह दिया, गरीबदास यो अटल पटा है, गरीबदास यो अटल पटा है, नाम अभय पद सीझे सतगुर अटल पटा लिख दीजे, अटल पटा लिख दीजे सतगुर अटल पटा लिख दी। जो सतगुर की भक्ति करता है उसमें कितनी शक्तियां आ जाती हैं।